स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में, और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Vivo V9 Pro ब्लैक कलर का है। तो देखिए इसकी अनबॉक्सिंग और बताइए कैसा लगता है आपको ये फ़ोन। ये है बॉक्स और ये है इसके कुछ स्पेक्स। डबल कैमरा स्नैपड्रैगन 660, 16 MP का है जो AI सेल्फी कैमरा है, और फुल व्यू डिस्प्ले है। और ये कुछ IMEI नंबर, तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे ऊपर हमें मिलता है एक केस जो कि है सॉफ्ट केस, और साथ में है कुछ पेपर वर्क और सिम इजेक्टर टूल। और इसको हम चेक करेंगे सबसे पहले कि हाइब्रिड स्लॉट है या नहीं है। केस है वो एक सिंपल सा केस है। तो और ये हो गई हमारी मेन यूनिट, और ये कुछ IMEI स्टिकर्स वगैरह, और ये है अपनी मेन यूनिट। इसको भी रखते हैं एक बार साइड में। और सबसे पहले निकालते हैं हम ये सिम इजेक्टर टूल, और ये कुछ वारंटी कार्ड वगैरह है Vivo 1851 क्विक सेटअप गाइड। ओके, अब बात करते हैं हम इसके चार्जर की। चार्जर का जो हम आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, वोल्टेज जो हमें दिखेगा 5 वोल्ट और 2 एम्पियर, तो ठीक है, मतलब फुल फास्ट भी नहीं है लेकिन ठीक है। और ये है अपने पास एक माइक्रो USB केबल, 18,000 रुपये में माइक्रो USB केबल नहीं होनी चाहिए, टाइप सी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। और ये है एक हेडफोन ईयरफोन्स जो कि एप्पल की कॉपी सी लगती है, और इनको देखते हैं। ओके, वायर भी वैसा ही है, घटिया सा वायर है, और इनको भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम अब इसका रैप उतारते हैं, और ओके ये है फोन। ओके, फुल ब्लैक एकदम, और कर्व्ड डिज़ाइन है पीछे से, तो ये काफ़ी अच्छी है। और गोल्डन लुक, गोल्डन टच दिया गया है कैमरे के ग्रिल पे, फिंगरप्रिंट पे, और वीवो के लोगो में। तो करते हैं इसको स्टार्ट एक बार, बैटरी होनी चाहिए शायद, बिल्कुल है। करते हैं इसमें डेडिकेटेड स्लॉट है या नहीं है। तो जी बिल्कुल, इसमें है एक माइक्रो SD का डेडिकेटेड स्लॉट और ड्यूल सिम का ऑप्शन, जो कि एक अच्छी बात है। ये फ़ोन हो गया है स्टार्ट, और नेक्स्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से करते हैं इसका एग्री, स्किप, नेक्स्ट। ओके, फिंगरप्रिंट, सबसे पहले हम इसका करते हैं फिंगरप्रिंट। ओके, ऐड फिंगरप्रिंट, 4-डिजिट पासवर्ड पैटर्न कर लेते हैं, सिंपल सा पैटर्न दोबारा से। ओके, ए डन, ए क्या है ये यार, मतलब इसका स्किप का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। नाम लिख देता हूँ मैं मेरा। ओके डन, फिंगरप्रिंट करते हैं एनरोल, और ये हो गया है फिंगरप्रिंट एनरोल। कंटिन्यू, साइड ग्रिप भी कर देते हैं, ये हो गया है डन। ओके, ऐड फेस, फेस अभी कर लेते हैं साथ में ही। ओके, ओके ये हो गया है फेस एनरोल। ओके, क्या है, ओके नेक्स्ट, सॉरी अलाउ बैक, स्किप। ओके, तो ये हो गया है फन टच OS के साथ फ़ोन जो बूट। इसका चेक करते हैं हमें फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक जो है वो कितना फास्ट काम करता है। देख, सबसे पहले फेस अनलॉक देखते हैं। ये मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, ये देखा, देखते ही क्विक हो गया। ओके, मैं देख, कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूँ। ओके, लॉक स्क्रीन भी नहीं आता है, लॉक स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मतलब फेस अनलॉक है वो काफ़ी फास्ट है। अब करते हैं हम इसका फिंगरप्रिंट टेस्ट। ये लगाया क्विक ओपन, क्विक ओपन एकदम लगाते ही, ये मैंने लगाया एकदम ओपन। तो फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक तो काफ़ी फास्ट है, AI अच्छे से काम कर रहा है इनमें।
इसकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद में अबाउट फ़ोन चेक करते हैं इसका, मोर सेटिंग अबाउट फ़ोन एंड EMI नंबर वगैरह, एंड्रॉयड वर्जन 8.1 और सिक्योरिटी पैच लेवल है वो भी बहुत ही पुराना है, मतलब 8वें महीने का, अगस्त का है, तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। चलो और बाकी सब ठीक है। 6GB की रैम है और 64GB का जो वो है इसमें स्टोरेज है। तो ये था एक फ़ोन का लुक। नीचे की तरफ अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ सबसे पहले हमें को मिलता है 3.5mm जैक, माइक्रोफोन, माइक्रो USB केबल, स्पीकर ग्रिल। राइट साइड की बात करें तो हमें मिलता है नीचे की तरफ ये है पावर बटन और ये मिलता है हमें वॉल्यूम रोकर बटन। ऊपर की तरफ आते हैं तो हमें कुछ भी नहीं है और लेफ्ट साइड में हमें सिम की जगह मिलती है। पीछे की तरफ ये सिम फिंगरप्रिंट सेंसर है और डबल कैमराज हैं। तो ये था फ़ोन का पूरा ओवरव्यू और एक बार हल्का सा इसका कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो इतनी खास डिटेल्स तो आ नहीं रही हैं, दोबारा से चेक करते हैं, एक फ़ोटो और लेते हैं। ओके, इस बार फोकस सही है और बिल्कुल चार्जर की जो सारी डिटेल्स हैं वो दिखाई दे रही हैं। और सेल्फी ज़रूर टेस्ट कर लेते हैं इसकी क्या कहती है। ओके, कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफाई कर रहा है ये जो ओप्पो वीवो है, ये तो इनका काम ही है। तो कुल मिला के ये था फ़ोन और बताना आपको कैसा लगा ये फ़ोन। देखने में और यूज़ लेने में काफ़ी अच्छा है, एकदम स्लिम फ़ोन है और कर्व्ड डिज़ाइन है, तो हैंडल हाथ में एकदम अच्छे से हैंड होता है। तो यही था इस पूरा फ़ोन का अनबॉक्सिंग वगैरह। थैंक यू।